फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या है? पेरीमीटर मतलब समेशन ऑफ ऑल दीज फोर साइड्स। पेरीमीटर मतलब क्या है? समेशन ऑफ ऑल दीज साइड्स, दैट इज फोर साइड्स ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स मतलब क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 20 मीटर है तो इसका लेंथ कितना होगा? 20 ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल्स में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। ये 15 है तो ये कितना होगा? ये 15 ही होगा। इसको बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगल। यहां में दिया है लेंथ इज 20 मीटर। लेंथ को कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। सपोज दिस इज ए रेक्टेंगल एंड लेट अस कंसीडर दिस साइड इज 20 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर। ब्रेथ इज 15 मीटर तो इसका पेरीमीटर निकलना है। पेरीमीटर मतलब ये जो जितना फोर टू बाउंड्री है, ये बाउंड्री का जो मेजरमेंट है इसका टोटल। टोटल मतलब चारों साइड्स को प्लस करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए हम लोग शॉर्ट उसको याद रख सकता है। कैसे? लेंथ दो ठो है, 2 × L, 20 दो ठो प्लस करना पड़ेगा, मतलब ट्वाइस L, 2 × 20 होगा। प्लस बी मतलब ब्रेड। ब्रेड इज हेयर 15 मीटर। ब्रेड भी दो ठो है। ब्रेड कितना है? दो ठो है। तो दो ठो को प्लस करना पड़ेगा। लेंथ दो ठो को भी प्लस करने से हम लोग पेरीमीटर मिलेंगे। लेकिन वो पेरीमीटर निकालने के लिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग शॉर्टली ये फॉर्मूला को याद रख सकता है। इट इज 2 × L मतलब लेंथ। लेंथ कितना है यहां में? कितना है लेंथ? 20 प्लस, ये प्लस है। तो ब्रेथ, ब्रेथ कितना है यहां में? कितना है? 15 है। तो 0 + 5 = 5, 1 + 2 = 3। ये 2 आ गया। 2 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। 2 × 35 कितना होगा यह में? 70 होगा मल्टीप्लाई करने से। तो क्या होगा? ये जो 20 मीटर, इसका यूनिट है मीटर मीटर। वॉट्स आर इन मीटर। सो 70 का यूनिट होगा मीटर होगा। ये है आंसर। 70 मीटर मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि अभी 70 मीटर मतलब इसका पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल। पेरीमीटर मतलब क्या है? ये इसका मेजरमेंट का टोटल है। मेजरमेंट का क्या है? टोटल है। ये है पेरीमीटर। इसके बाद आया बी, क्वेश्चन नंबर बी। बी में दिया है फिल अप द ब्लैंक फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया है, उसको फिलअप करने के लिए बोला है। तो इसको फिलअप करना है। तो ए, लेट अस कंसीडर एनी रेक्टेंगल होज लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 1 मीटर। सो एज पर फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज गिवेन हियर, 2 × L + B। बी मतलब ब्रेथ है, एल मतलब क्या है? लेंथ है। लेंथ कितना है? 8 है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 2 लिख के ब्रैकेट के बाद एल था। एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब कितना है? कितना है लेंथ मतलब बोलो? 8 है। तो प्लस प्लस
प्लस के बाद क्या है बी, बी मतलब क्या है ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया है 1 meter दिया है, तो ब्रेथ मतलब कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो ये जो 8 plus 1 is 9 ब्रैकेट मतलब इनटू दिस टू इनटू नाइन कितना होगा, 2 into 9 कितना होगा, बोलो 18। ये भी मीटर था, 8 भी मीटर में था, 1 भी मीटर में था, इसीलिए ये 18 का यूनिट मीटर होगा। क्वेश्चन में जो यूनिट था वो ही यूनिट हम लोग लिखना पड़ेगा। तो बी दूसरा एक रेक्टेंगल दिया है, बी दूसरा एक रेक्टेंगल दिया है जिसका लेंथ अभी दिया है 7 meter, ब्रेथ दिया है कितना 2 meter दिया है। तो एज पर फॉर्मूला वी हैव टू राइट 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ दिया है हम लोग का कितना, लेंथ कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 लिखो। इसके बाद जो प्लस है प्लस लिखो, प्लस के बाद क्या लिखना पड़ेगा बी लिखना पड़ेगा, बी मतलब ब्रेड, ब्रेड मतलब कितना 2 लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा 2, तो 7 plus 2 कितना होगा 9 होगा। तो इनटू कहा से आया, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब इनटू, ये 2 कहा से आया, जो 2 था ये 2 ही आया, 2 into 9 कितना होगा, कितना होगा 18। 18 का यूनिट क्या होगा मीटर, क्यों, क्योंकि 7 भी मीटर में था 2 भी मीटर में था, तो 2 into 9 is 18, 18 का यूनिट होगा मीटर होगा। ठीक ऐसा ही सी एक दूसरा रेक्टेंगल दिया है जिसका लेंथ 6 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर है, इसको भी सेम प्रोसेस में हम लोग को निकालने के बोला है, ये होमवर्क रह गया। ठीक ऐसे ये दूसरा एक रेक्टेंगल दिया है डी, नाम को दिया है डी, वो डी रेक्टेंगल का जिसका लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर लेने के लिए बोला है, तो एल मतलब हम लोग यहां में 5 लिखेंगे, ब्रेथ मतलब क्या लिखेंगे 4 लिख के सेम प्रोसेस हम लोग निकलना पड़ेगा, ये होमवर्क रह गया। क्वेश्चन नंबर सी में दिया फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या है, सपोज इफ दिस इज ए स्क्वायर देन पेरीमीटर मींस समेशन और टोटल ऑफ ऑल दिस 4 साइड्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स, स्क्वायर्स मतलब क्या, All these 4 sides are equal length. Length of the sides are equal. It is squares. So we are given in question number C 1, side is 3 meter. ऐसा हम लोग को square दिया है जिसका side 3 meter है. तो let us consider this is a square. And its sides are 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter. लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में एक ही देखा साइड 3 meter, मतलब दूसरा तीनों साइड्स का लेंथ नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, क्योंकि हम लोग को समझना पड़ेगा कि स्क्वायर्स में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये 3 एक दिया है हम लोग, बाकी तीनों को भी 3 meter समझना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए हम लोग पहले फर्स्ट क्लास में कैसा किया था, इसको 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 प्लस किया था, हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसा भी लिख सकता है, यहां में साइड्स कितना है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 4 1 2 3 4, सो नंबर ऑफ साइड्स इज 4, नंबर ऑफ साइड्स इज व्हाट 4,
तो फोर इंटू साइड, फोर फोर इंटू इंटू साइड, टेक एनी वन बिकॉज ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, थ्री 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 थ्री, टेक एनी वन, साइड मीन्स थ्री. नाउ फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, और थ्री मीटर में था तो जो ट्वेल्व मिला है, रिजल्टेंट पेरीमीटर जो मिला है वो रिजल्टेंट पेरीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को, इसका यूनिट को ही लिख देंगे. तो क्या लिखेंगे इसमें, मीटर लिखेंगे. क्वेश्चन में मीटर होने से हम लोग आंसर का यूनिट को मीटर लिखेंगे. यहां में सेंटीमीटर होने से हम लोग सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी मीटर में है इसलिए मीटर लिखना पड़ेगा.